लास्ट वीडियो में मैंने एक असाइनमेंट का जिक्र किया था, तो आपको ज़रा थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं कि आपने असाइनमेंट क्या कहा गया था। ये एक लॉगिन बटन है, जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो मुझे ये फॉर्म रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर कोई अभी एक्शन नहीं लेना, जस्ट आपने ये फॉर्म यूज़ करना है, क्लोज करेंगे तो ये फॉर्म आपका क्लोज हो जाएगा। सो ये कहा गया था असाइनमेंट के लिए, तो इसका सलूशन क्या है वो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये बाकी देखिए इसका सलूशन, यहाँ पे मैंने एक रो ऐड कर दिया 12 कॉलम की, और उसके ऊपर मैंने एक बटन लगा दिया, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। ये बटन लगा दिए मैंने, और इस बटन के ऊपर मैंने कोडिंग कर दी है कि शो होने, बटन के क्लिक के शो होने पे आपने ये कर देना है, और जब लॉगिन मॉडल के जो हाइड बटन है उसके क्लोज पे मैंने हाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो मेरा हेडर सेक्शन था वहाँ पे मैंने एक बटन लगा दिया, ठीक है, और ये लॉगिन लिख दिया। वो बटन सिर्फ क्रॉस लिखा होगा, क्रॉस क्लोज करने के लिए। देखें ये बटन, ये वाला, ये मेरा ये बटन, तो ये बटन लगा दिया और साथ में लिख दिया लॉगिन। सो दिस इज़ लॉगिन। और उसके बाद बॉडी में मैंने फॉर्म बना दिया है, फॉर्म का ग्रुप है जिसमें एक यूज़र नेम है, ठीक है, और एट द एंड फुटर के अंदर मैंने दो बटन लगा दिए हैं, और दैट्स ऑल। और इस बटन में, इस बटन का नाम, इस बटन हाइड रख दिया मैंने, बटन हाइड मॉडल, और इसको, इसकी जो कोडिंग है वो मैंने ऊपर कर दिया है, आप देख सकते हैं, ये बटन हाइड मॉडल। और इसके अंदर मैंने बटन को जो है क्लोज का है, क्लास क्लोज है, और डाटा डिसमिस मॉडल, कि इसके थ्रू आप जिस मॉडल के अंदर है वो डाटा को वो डिसमिस कर दे, उसे क्लोज कर दे। तो दिस वन, ये आपके असाइनमेंट का सलूशन था, मॉडल असाइनमेंट का। तो ये अब आप देख सकते हैं, आप किसी भी किस्म के आप डायलॉग बॉक्स इसके थ्रू बना सकते हैं, और आपकी टेक्निक यही है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ये चीज़ आएगी। अब इसके अंदर जो मेजर कंटेंट है वो हमारे पास हैडर है, बॉडी है, और फुटर है, जहाँ पे आपने चीज़ें ऐड करनी है। सो थैंक यू वेरी मच, लेट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।